तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। ये वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा मत रहना जो रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका यूजीएससी का रैंक नहीं बनेगा। ठीक है, रैंक नहीं बनेगा तो आपको चॉइस फिलिंग करने नहीं दिया जाएगा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आपको सबसे पहले यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन करना है, जो अभी 10 तारीख तक डेट था 10 जून तक, वो 10 जून से बढ़ा के उसका 20 जून तक डेट कर दिया गया है, क्योंकि कम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे। किसी रीजन से कोई कोई बोर्ड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, जिस रीजन से बीसीसी वालों ने उसका डेट बढ़ा दिया। तो 20 तारीख तक आपका डेट है। अगर आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती कर देते हो तो उसको एडिट करने का भी डेट रखा गया है। उसको एडिट करने का डेट रखा गया है 21 से 22 तारीख तक। ठीक है, 21 से 22 तारीख तक आप उसको एडिट कर सकते हो, सॉरी 22 से 23 तारीख तक आप एडिट कर सकते हो। 21 तारीख को लास्ट पेमेंट डेट है। ठीक है, तो ये सब सारे बातें आपको ख्याल में रखना है। रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आपका यूजीएससी रैंक बन पाएगा। और जैसे ही आपका रैंक बनेगा, उसी हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो अगर आपके कम परसेंटाइल है तो आपको बहुत ही सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने का तरीका भी बहुत बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है कॉलेज का। ठीक है, अगर आपके कम परसेंटाइल है ना, तो आप सबसे पहले नए कॉलेज चूज करोगे जितने कम परसेंटाइल है। जैसे कि 30 परसेंटाइल से अगर आपका नीचे है, 30 परसेंटाइल हुआ, 40 परसेंटाइल हुआ, अगर इतने से नीचे है ना, तो आपको सबसे पहले नए कॉलेज चूज करने हैं। ठीक है, अगर आपके 40 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको मीडियम, जो कि 2019 में एस्टेब्लिश हुआ है कॉलेज, जो 18 में एस्टेब्लिश हुआ है, वो सारे कॉलेजेस चूज करने हैं। अगर आपके 70 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक है, मतलब कि 70 परसेंटाइल से ऊपर है, तो बिहार के जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो सारे कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ऐसे अगर करते हो ना, तो 100% है आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और एक और बात का अगर आप ख्याल रखना, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, उस समय आपको जो ब्रांच चाहिए, जैसे अगर मान लो कि आपका 70 परसेंटाइल है, आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए सबसे पहले, अगर वो नहीं मिला तो आप सिविल इंजीनियरिंग लेके पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाल देना है जितना भी टॉप 10 कॉलेजेस है सब में। ठीक है, उसके बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल या फिर ईसीई, फिर उसके बाद मैकेनिकल, मतलब कि जो ब्रांच सबसे पहले चाहिए उसको सबसे पहले ऊपर डालो और सारे